स्वागत है। तो आज मैं एक रेसिपी लेके आ रही हूँ रावा केक, जो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बुग्गू है ना, रावा केक बहुत उसको पसंद है। और थोड़ा वो अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हो तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो मैं सोची रावा घर पे ही रहता है। मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि रावा केक कैसा बनता है। ऐसे कोविड में तो मैंने बिस्किट का जो केक बनता है वो हमने बनाया था घर पे, तो परफेक्ट ही बना था। तो देखते हैं आज रावा केक बना के कि कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने देखो ये दो कटोरी, आपको कटोरी के हिसाब से बताती हूँ, ताकि अगर आप भी कैसा बनेगा वो तो मैं देख के ही पता चलेगा, मैं फर्स्ट टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो कटोरी आप देख रहे हो, जो भी आपके घर में बाउल हो, जो भी कटोरी हो, तो अगर आप दो कटोरी अगर आप सूजी लिए, मतलब रावा को ही सूजी बोलते हैं अगर जिनको नहीं मालूम होगा, तो सूजी अगर दो कटोरी लिए हो तो एक कटोरी आप चीनी ले लेना, ठीक है, शक्कर दोनों का एक पाउडर बना लेना मिक्सर में आप, ठीक है। तो ये सूजी का ये सूजी है जिसका हमने पूरा पाउडर बनाया है मिक्सर से, और ये है शक्कर जिसका हमने पाउडर बनाया। यहाँ पे दही की जरूरत पड़ेगी, दूध, और अगर आपके पास इनो, मेरे पास बेकिंग सोडा और खाने का सोडा नहीं था तो मैंने इनो मंगाया है, और यहाँ पे वेनिला एसेंस है जो मैंने मंगाया था, और यहाँ पे घी, या तो आपको घी रिफाइंड तेल या तो बटर, वो आपके ऊपर है आप क्या यूज करना चाहोगे, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं इसका हम कैसे कैसे करते हैं, और वीडियो बने रहना। रुको ना बुग्गू, ऐसे बैठे ना सब चला जाएगा। तो देखो ये बुग्गू ना मेरा बहुत बदमाश, इसके लिए मम्मी बना रही है, और ये लेके भाग जाएगा तो मैं बनाऊंगी कैसे। तो मैं पूरा बटर से नहीं बना रही हूँ, मेरे पास घी था तो मैं सोची मैं घी स्पीड थोड़ा डाल लूं। तो ये देखो थोड़ा मैं घी डाल रही हूँ, ठीक है, और मैं ये बटर है। अब आप छोड़ ना बच्चा, ये बटर, ठीक है, इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने दो चीज इसमें मिलाया है ना, और ये दही आप देखो एक कटोरी में दही डाल दूँ, और इसको आपको बहुत बहुत ज्यादा ये मिक्स करना है। अगर आपके पास मिक्स करने के लिए होगा तो अच्छा, नहीं तो मैं तो देखो चम्मच से ही कर रही हूँ ये। मैं किस टाइप का बना रही हूँ, जो आपके घर में ऑलरेडी हो, आपको कोई जरूरत नहीं है कोई चीज सामान खरीदने का, और ये स्पेशल मैं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो कैसे बनेगा मैं तो अभी तक देखी हूँ अभी वो कैसे बनता है, तो आप बहुत ज्यादा मतलब मेहनत इसमें थोड़ा मेहनत करना। देखो ऑयल पता ही नहीं चल रहा है ना, तो इसको पूरा मिक्स करना है आपको। प्योर भेज है ये, तो आप सावन का महीना है तो आराम से ये आप घर में बना के आराम से खा सकते हो। अगर आपको लगे अच्छा चीज खाने का मन करे तो आराम से आपको लग रहा है अगर कि मार्केट में हम केक जो ले रहे हैं उसमें कहीं अंडा तो नहीं मिला हो, तो आप प्योर वेज घर पे ही बना सकते हो, और ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे आराम से इसको खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सूजी क्या है अपने को खराब नहीं, सूजी एक अच्छी चीज है जो बच्चे खाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। और इसमें हम डालेंगे ये जो है ना, दोनों को आप साथ में डाल दो कोई इशू नहीं है। ये मेरे सूजी, रावा और चीनी,
दोनों को डाला। और सूजी तो आप जानते हो वो सोख लेता है तुरंत, तो आप देख सकते हो ये पूरा बाबू। बदमाशी मत करो बच्चा, ऐसे है ना दूर से। इसमें लंच नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको ऐसा इसको इतना मिला, आपका थोड़ा हाथ दुखेगा क्योंकि ऑफ कोर्स लंच होना नहीं चाहिए क्योंकि, है ना। और इस पे मैं अब डालने वाली हूँ, देख सकते हो वैनिला एसेंस, जो आपको ऑनली फॉर ये स्वाद के लिए डालना है, ठीक है? मतलब इससे मैंने आधा आधा चम्मच, आप आधा चम्मच ही डालना, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास टूटी फूटी है, टूटी फूटी वो चेरी आता है वो है, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर देना। अगर आपके बेबी लोग को पसंद ज्यादा होगा तो वो डाल देना। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और या तो अगर आपके पास टूटी फूटी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास बट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास क्या पिस्ता है एंड वो अखरोट है, तो वो मुझे नहीं लगा कि इसमें मैं ऐड करूँ, तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ। अब ये कैसे बनेगा वो पता नहीं बट बना रही हूँ। तो ये आपके ये मिल्क है जो मैंने एक घंटा पहले इसको बॉईल किया था, तो ये ज्यादा गर्म भी नहीं है और ज्यादा ठंड भी नहीं है, मतलब एकदम नॉर्मल दूध जो होता है ना वो आप डालो। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बस अच्छा बने, खाने लायक तो बने भाई। फर्स्ट टाइम हो सकता है कुछ गड़बड़ हो मुझसे, तो एटलीस्ट खाने लायक बने। और लास्ट में मैं इनो डाल रही हूँ, देख सकते हो आप लेमन फ्लेवर है। लेकिन आपके पास अगर खाने का सोडा बेकिंग सोडा रहेगा तो आपको ही डालना। थोड़ा आपका हाथ दुख सकता है क्योंकि मेरा दुख रहा है, तो ये देख लो ना, तो दूध थोड़ा और ऐड कर देना। अगर आपको लगे कि थोड़ा पेस्ट ये गाढ़ा हो गया तो और आप दूध डाल देना, थोड़ा 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 ही करके डालना। एक बार में ऐसा नहीं कि हाँ मुझे अंदाजा है, मैं घर में किचन में बहुत खाना बनाती हूँ तो डाल दो, तो ऐसा एकदम मत करना, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। तो ये देखो कितना हो गया है ना। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप सबसे पहले देखो इसमें जो भी पानी है मैं यहाँ हटा देती हूँ। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, ठीक है? कुकर में मैंने बिस्किट वाला केक बनाया था बट मैं अभी एकदम स्लो में आपको चलाना है, एकदम माइक ऑफ बंद कर दू, तो एकदम आपको स्लो में ये एकदम स्लो रखना है, ठीक है? और ये कपड़ा जो आपके घर में साफ कपड़ा होगा या तो आप सूखने देना, मैं फटाफट कर रही हूँ कि ज्यादा हीट ना हो जाए। अगर आपके पास कढ़ाई मोटा है ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, और तो पतली अगर ज्यादा है तो आप एक काम करना, सबसे नीचे आप पहले ये रख देना, क्या बोलते हैं तावा, तावा को हीट होने देना 5 मिनट, फिर उसके ऊपर कढ़ाई रखना। तो ये जो बटर मेरा बचा हुआ था, अगर आपके पास बटर पेपर है तो पहले आपको ये बटर पूरा कढ़ाई में आपको लगाना है चारों तरफ, फिर बटर पेपर रखना है उसके ऊपर ये आपको डालना है, ठीक है? मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं किसी चीज का मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा था उसमें बटर पेपर उन्होंने यूज किया था, बट उन्होंने बोला कि अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से बस आपके
स्प्रे करना है मतलब चारों तरफ, ठीक है। देखो आप कितना स्मूथ है ना, सो स्मूथ, ठीक है। तो डाल रही हूँ मैं, देख लो आप लोग। एक भी नहीं छोड़ना है मुझे, सब सब इस्तेमाल करना है। तो आराम से आप से जैसे हो आप ये कर देना, साइड कर दिया आराम से, ऐसे से कर देना ताकि आराम से बैठ जाए, है ना। और इसमें आपको ना मतलब ऐसा इसमें पानी है तो मैं इसको पोस दे दूँ, प्लेट ऐसा रखना है आपको ताकि ये पूरा अच्छे से इससे हवा, तो इसमें देखो मेरा ये गैपिंग जा रहा है ना, तो इसमें मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसमें भारी कुछ रख देती हूँ ताकि हवा ना निकले, ठीक है। यस बुझा, ओहो हवा से निकले एकदम लो में, देख सकते हो आप, है ना। इसको आपको 25 से 30 मिनट लगेगा, तो किसी की कढ़ाई मोटी है पतली है तो उसमें आगे पीछे हो सकता है 5-10 मिनट, तो मैं देखती हूँ मेरा कितना टाइम में होता है, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ ये थोड़ा सा हो जाए तो, ठीक है। तब तक तो पूरा 30 मिनट हो गया है, तो ये मैंने बाद में ये से मतलब हवा आ रहा था तो मैंने ये रख दिया था, तो चलो फाइनली देखते हैं कैसा है। जल नहीं ना क्या? नहीं 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 नहीं, आई थिंक ये ब्राउन है ना, चलो चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक है ना, सही है ना। तो ये देखो पूरा क्लीन है, ये यहाँ पे अगर हम ऐसे डाल रहे हैं तो आराम से ये ऐसे निकल जा रहा है ना। तो इसको मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, इसको मैं अब गैस देखो बंद कर रही हूँ, है ना, और इसको ऐसे ही रख रही हूँ, गैस बंद हो गया, बन गया है केक। अब देखते हो नीचे बाबू गैस नहीं ऑन करते ना, गंदी बात, सब उड़ जाएंगे हम। तो इसको अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं, मतलब पूरा ठंडा नहीं, मीडियम में होने देते हैं, तब इसको हम निकालते हैं, तो देखते हैं अंदर का पार्ट कैसा है। तो चलो मिलते हैं कुछ टाइम में आपसे 15-20 मिनट के बाद। तो देखो इतना ठंडा हो गया है कि इसको मैं ऐसे पकड़ सकती हूँ, तो जो रिमूव कर रही हूँ तो ये तो अच्छे से हो गया है, पैनकेक लग रहा है। इसको थोड़ा जल गया नहीं? अच्छा क्यों कटा जला, ये कढ़ाई थोड़ा पतला था, हैप्पी बर्थडे मुको, मुको हैप्पी बर्थडे, लेकिन अच्छा बना है। ये जो केक है अच्छा बना है ना, चलो खा के देखते हैं कैसा है। तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया लेकिन ना, चलो ये फर्स्ट टाइम था तो मुझको बताओ कैसा है। थोड़ा जल गया जी, तो गर्म नहीं है ना? नहीं गर्म नहीं है। तुम बताओ आम कैसा है, खा सबसे ज्यादा तो खाने में अच्छा, देखो सब ले लिया देखो ना कैसा है, मैं देख अच्छा है। पूरा बैटरी वाला ना, पूरा बैटरी वाला, बस जो अंदर का ना वो थोड़ा कड़ा हो गया है, ये जो है ना ये पार्ट थोड़ा कड़ा हो गया है थोड़ा, जब ये पूरे स्मूथ थोड़ा ज्यादा पक गया है, ठीक ठीक है ना, एकदम बैटरी वाला लग रहा है ना, थोड़ा चूर चूर हो गया इसी वजह से। तो आप डायरेक्ट मत करना, आप कोशिश करना कि बटर पेपर में ही यूज करो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थोड़ा कड़ा हो गया है, अच्छा लग रहा है लेकिन, अच्छा लग रहा है।
बुगु को देते हैं। चलो तो इस वीडियो को एंड करती हूँ, बाय बाय। आप भी बनाना बच्चे के लिए बहुत, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो बनाओ। हाँ रुकना, सब लेके नहीं जाएगी, इसको बोलते हैप्पी बर्थडे।